कुछ स्मार्ट कॉल सेटिंग्स के बारे में, जो कि गाइज आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले चीज़ गाइज, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर चलना है। मैं आपको कुछ स्मार्ट कॉल सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। सेटिंग के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको कन्वीनियंस टूल्स का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा जो कि है जेस्चर एंड मोशन। इस पर हम टैप करेंगे और अलाउ कर लेते हैं इसको। तो गाइस इसको अलाउ करने के बाद गाइस यहाँ से आप कुछ सेटिंग्स देख लें जो कि आपको हेल्प करेंगी, ज़्यादा नहीं है कुछ हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपके पास कोई भी कॉल आती है आपको सिंपल तरीके से अपने कान के पास अपने फोन को ले जाना है, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो इसका मतलब ये है गाइस ऑटोमेटिकली स्विच टू ऑडियो फ्रॉम स्पीकर टू रिसीवर व्हेन द फोन इज हेल्ड नियर योर ईयर। मतलब इसका ये है गाइज, आप अपने फ़ोन को ऐसे करके पकड़े हुए हैं, मेरे सामने ये फ़ोन रखा है, स्पीकर में बात चल रही है, आप अपने कान के पास अपने फ़ोन को ले जाएंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीवर हो जाएगा, मतलब स्पीकर बंद हो जाएगा। फिर है गाइज यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, मतलब आने वाली कॉल आपकी साइलेंट हो जाएगी। ओके गाइज, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ और स्मार्ट कॉल सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हम गूगल डायलर ओपन कर लेते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्विक रिस्पॉन्सेस का, इस पर आप क्लिक करें और समझे कुछ सेटिंग्स। मतलब ये कि यहाँ पे आपको चार मैसेज देखने को मिले हैं, इन मैसेज को आप सेंड कर सकते हैं। जब आप किसी आपके पास कोई बंदा कॉल करता है, आप उसका कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, उसका कॉल कट करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी मैसेज आप उसको सेंड कर देंगे चला जाएगा। जैसे कि अगर आप उसको बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको बोल दें, ठीक है, तो इनमें से कोई भी मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया क्विक रिस्पॉन्सेस। ब्लॉक नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ से आप नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। कोई भी नंबर आपको याद है, आप अपनी GF का नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं, 1 2 3 टाइप करें और ब्लॉक, देन बस इतना आपको करना है। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कॉलिंग अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लैश ऑन कॉल। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो आपकी लाइट जो ब्लिंक करेगी, ठीक है, और आप उसको गाइस यहाँ से फ्लैश, मतलब फ्लैश आपकी ब्लिंक करेगी तो आपको पता चल जाएगा। ऑटो आंसर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर लेना है। ऑटो आंसर को आप इनेबल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन का आपका फ़ोन कनेक्ट है ब्लूटूथ से या फिर एयरफोन से, तो 5 सेकंड बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी, डिले ऑटो आंसर। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो इसको आप 10 सेकंड कर देंगे तो 10 सेकंड बाद आंसर हो जाएगी, आप चाहें तो उसको 3 सेकंड कर देंगे तो 3 सेकंड बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़ पावर बटन टू हैंग अप वाइल स्क्रीन इज ऑन। मतलब स्क्रीन ऑन है, आप बात कर रहे हैं, पावर बटन दबाएंगे तो आपकी कॉल जो है वो कट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स थी। तो आई होप कि आपको स्मार्ट कॉल सेटिंग्स समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर ले, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।